हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष मंगलमय की शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से। स्टार भी एग्जाम ट्रिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ दिनों से हमने वीडियो कुछ नहीं ला पाए थे, इसके माध्यम से उसके लिए हमें सॉरी। तो आज से जो भी क्लास चलेगी सर, आप लोगों का मित्रों, वह बहुत ही ऑथेंटिक क्लास होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। और मैथ में कुछ मैं अच्छा करने वाला हूं, और मैथ और रीजनिंग की क्लास काफ़ी अच्छा मात्रा में मिलेगी आपको देखने के लिए। और इधर ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर के मैं नाम ले लूँगा आज, क्योंकि जो भी मैं मैथ का सिलेबस देने वाला हूँ, जो भी चैप्टर कराने वाला हूँ, वह चैप्टर वाइज होगा। भले या तो एक या तो आपको एक या दो दिन लगेंगे कम से कम एक चैप्टर समाप्त करने में। इसमें मैं जो भी क्वेश्चन लाऊँगा वो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा। तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। कुछ मैं चैप्टरों के नाम लिख रहा हूँ और उसको आप देखिए, और इसी समय कुछ सवाल भी कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं यह जो भी मैं करता हूँ आप लोगों के लिए ही करता हूँ, और इसके माध्यम से आप लोग मेरे माध्यम से जुड़े रहते हैं। पिछली वीडियो में मुझे काफ़ी आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके माध्यम से मैं कुछ दिनों के लिए कुछ समस्याओं के आधार पर मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब मैं डेली का डेली प्रोसेस पे आप लोगों को वीडियो लाता रहूँगा इसी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं और मैथ में और रीजनिंग में। तो आज मैं मैथ का बता देता हूँ, समय मिलेगा तो मैं रीजनिंग का एक एक क्लास बीच बीच में लेता रहूँगा, जो इम्पोर्टेंस चैप्टर हैं। और प्रैक्टिस सेट में उसमें और अच्छे क्वेश्चन के मार्क्स, अच्छे ट्रिक और सॉल्यूशन के साथ मैं लाऊँगा, ठीक है? और हमसे जुड़े रहिए आप। आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए, पहला तो है, और जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के महत्व से इम्पॉर्टेंट है, वह मैं इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में लिखूंगा, और उससे कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके ग्रुप डी में, तो उसके माध्यम से मैं बताऊंगा। देखिए, वैसे नॉर्मली तो देखा जाए आप लोगों के लिए 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आइए देखते हैं कौन कौन सा सिस्टम है। देखिए, एक तो है नंबर सिस्टम, इससे आपका लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। दूसरा है आपका यूनिट डिजिट्स, ये नंबर सिस्टम में ही आता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है? तीसरा है परसेंटेज, परसेंटेज से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को देखने को लगभग मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से एक, दूसरा है डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, ये 4 चैप्टर जो हैं, इससे एक या दो प्रश्न बनना अनिवार्य है, इससे एक या दो प्रश्न आप लोगों को मैथ में देखने को मिल जाएंगे। और चौथा में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पांचवा है अल्जेब्रा से भी 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे देखने को। और परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड SI और CI आपका हो गया। आइए देखते हैं, कुछ मेंसुरेशन से मिल जाएंगे देखने को आप लोगों को। मेंसुरेशन से 2 या 3 प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। और इधर आप चले आइएगा टाइम एंड वर्क, 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें देखने के लिए। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा 8वां में टाइम एंड डिस्टेंस से 1 या 2 प्रश्न मिल जाएंगे।
और इसमें आप लोगों को कुछ मिल जाएगा ट्रेन से, ट्रेन वाला क्वेश्चन, या मैं खुद कराने वाला हूँ चैप्टर, जितने चैप्टर्स लिख रहा हूँ मैं वो खुद कराऊँगा आप लोगों के लिए। और दसवां है पाइप एंड सेटरेंस, एक या दो प्रश्न, और एक है लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर शेषफल प्रमेय जिसको कहते हैं, इससे दो प्रश्न। तो ये बाकी चैप्टर्स मैं कराने वाला हूँ, तो इसके माध्यम से आप जुड़े रहिएगा और मैं पर डे एक चैप्टर लाता रहूँगा। और ये तो हो गया मैथ, मैथ में आपको लगभग 30 मार्क्स मिलेंगे और 30 प्रश्न आएंगे इससे। तो अभी हमारे पास लगभग जनवरी का टाइम है, 31 दिन ऑफ, कुछ शेड्यूल जारी हुआ है जिसमें 23 फरवरी को बताया गया है, 23 से 24 फरवरी तक एग्ज़ाम हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग हम लोग अगर 30 दिन में एक एक चैप्टर भी देख लेते हैं तभी हमारा 30 मार्क्स आराम से तैयार हो जाएगा। और यह मैं इतना ईजी वेज में मैं बताऊँगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। और इससे काफ़ी अच्छा, जब तक देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तब तक आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप तो लगाते होंगे, काफ़ी यूट्यूब चैनल होगा, आप उसके माध्यम से देखते होंगे कि काफ़ी मतलब घुमा फिरा के लोग बात करते हैं, लेकिन मैं